हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो में अगेन मीशो से कुछ मैंने दो तीन प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, तो वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैंने अपने चैनल पर गिव अवे रखा है, तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना। आप कैश अमाउंट तक जीत सकते हो। 20K सब्सक्राइबर्स का गिव अवे है। एंड इस वीडियो के लिए मैंने कम्युनिटी टैब पे और स्टोरी पे लगाया था, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाया था कि आप मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट करो और मैं आपकी पसंद से प्रोडक्ट बाय करूंगी। तो यहाँ पे मुझे दो तीन लोगों ने, मतलब तीन चार लोगों ने भेजा था, उसमें से मैंने तीन प्रोडक्ट्स पिक किए थे। तो आज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं फुल टू डिसअपॉइंटेड हूँ आज मीशो से। तो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज ये लहंगा चोली, जो कि ग्रे कलर में है। पर्सनली मैं बताऊँ तो लहंगा चोली अच्छा है, पर आगे मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, फिर बताती हूँ। सो एज यू कैन सी, ये ग्रे कलर का फुल नेट का लहंगा है, और आप नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक पट्टी दी गई है सो बॉर्डर के लिए, जो कि सिल्वर कलर की है। एंड ये जो है प्लास्टिक की जो टिकली होती है वैसा वर्क है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, जो लहंगा है ये नेट है, नॉर्मल जैसा नेट होता है, सॉफ्ट नेट है और ये नॉर्मल नेट है। उसके बाद में नीचे में आपको अस्तर मिल जाएगा, एंड अस्तर में यहाँ पे आपको कैनकेन मिल जाएगा। नीचे साइड में आपको कैनकेन मिलेगा, ऐसे पूरा कैनकेन नहीं है, ये अच्छी चीज़ है कि नीचे में कैनकेन है। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको कैनकेन मिलेगा, इतना इतना। लहंगा में बताऊँ तो लहंगा बहुत अच्छा है, लहंगे का जो लेंथ है वो अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा इसे फुला फुला सा लगता है, तो मुझे लहंगा अच्छा लगा। ओके, तो लहंगा तो हो गया, ब्लाउज की बात करते हैं। तो ब्लाउज आपको इस टाइप से मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक पट्टी सामने के लिए, फ्रंट साइड के लिए, एंड ये दूसरा वाला, ये फ्रंट बैक साइड के लिए, मतलब फ्रंट और बैक एक जैसा ही है, डिज़ाइन दोनों में सेम है। एज यू कैन सी यहाँ पे आप नज़दीक से देख सकते हैं, गोल्डन कलर का ये टिकली है, चिपके हुए नग है, टिकली नहीं है, नग है चिपके हुए, एंड सादा सा नेट के ऊपर में ये वर्क है। पर्सनली मैं बताऊँ तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप 1792 रुपये मैंने पे किए हैं इस लहंगे के लिए, एंड 1792 रुपये में मुझे इसमें अस्तर नहीं मिला है। मतलब इसके लिए तो मुझे अस्तर लगाना ही पड़ेगा, और तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था और इसके साथ में अस्तर होना चाहिए था। कोई भी चुन्नी नहीं दी गई है, और ये विदाउट चुन्नी वाला ही है, पूरा लहंगा नेट का है। पर मुझे ये बिल्कुल इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि 1792, मतलब कि 1800 रुपये अगर हम पे कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वालिटी का लहंगा मुझे नहीं लगता कि वर्थ बाइंग है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये में ओके है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 1100 के ऊपर मैं इसमें एक भी रुपये नहीं देना चाहूँगी। लहंगा अगर सस्ते में होता तो वर्थ बाइंग था, पर अगर 1792 रुपये, 1800 रुपये मैं पे कर रही हूँ तो बिल्कुल भी वर्थ बाइंग लहंगा नहीं है। कलर वैसा ही है, मैं बिल्कुल भी पैसे वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नो नो है मेरी तरफ से। ये लहंगा अगर आप बाय कर रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये आप डेफिनेटली आप सिलवा सकते हो कम प्राइस में, या फिर आपको कहीं और से सस्ते में मिल जाएगा, पर यहाँ से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1800 के हिसाब से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। अगेन मुझे एक लहंगा चोली ही बोला गया था ऑर्डर करने, जिसकी पिक मुझे भेजी गई थी, ये इस टाइप का है, मैं फोटो यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैंने जब ऑर्डर किया तो जैसे नॉर्मली ऑर्डर करते हैं वैसे ही ऑर्डर किया मैंने। एंड अब मैं बताती हूँ स्टोरी, क्योंकि मेरे साथ में ये हुआ है। जिस दिन मेरा ऑर्डर आने वाला था, सेलर ने अपनी तरफ से मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ओके, उनकी तरफ से उन्होंने, उनके पास में वो अवेलेबल नहीं था लहंगा, इसलिए उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। एंड दोपहर तक के मुझे ये ऑर्डर रिसीव हो गया, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने मीशो को ओपन करके नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता था कि उधर से कैंसिल हो गया है। तो मैंने रिसीव कर लिया वो प्रोडक्ट, मैंने रिसीव कर लिया। 1692 रुपये मैंने इस लाचे के पे किए थे लहंगे के, तो मैंने ऑर्डर रिसीव कर लिया। एंड देन मैंने जब उसको ओपन करके देखा तो ट्रस्ट मी, ये इस टाइप का आया था, कुछ ये प्रोडक्ट्स आए थे। मैंने क्या सोचा था, क्या आ गया, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और सबसे पहली बात, मैं लहंगा ऑर्डर कर रही हूँ, आप मुझे दो साड़ियाँ भेज रहे हो, ये मतलब कैसी बात है, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और क्वालिटी, साड़ियों की क्वालिटी देखो आप लोग, जो 100-100 रुपीस में जो साड़ियाँ मिलती है ना, ये उस टाइप की साड़ी है। इवन मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है, उसके बाद में ये एक साड़ी मुझे रिसीव हुई है। मैं क्या बताऊँ आपको, इसमें मैं आपको क्या रिव्यू दूँ। तो जिन लोगों ने अपना मुझे फ़ोटो भेजा था कि दी मुझे ये ऑर्डर, मतलब ये इसका रिव्यू करो, उसका रिव्यू करो, मेरा तो सारा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ये मुझे ये साड़ी रिसीव हुई है 1692 रुपये में, मतलब 1700 रुपये में मैंने ये दो साड़ियाँ ली हैं, और रिफंड और एक्सचेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उधर सेलर ने ऐसा दिखाया है कि वो प्रोडक्ट उसने डिस्पैच ही नहीं किया, बट मुझे यहाँ पे डिस्पैच हुआ है, मुझे मिला है, रिसीव हुआ है, एंड मैंने 1700 रुपये दिए हैं। मैंने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करी, कस्टमर केयर थोड़ा सा स्लो है, पर ठीक है, काम हुआ है मेरा, पर अभी तक के कोई इसको रिसीव करने नहीं आया है, मतलब पिकअप करने नहीं आया है, और मेरे 1700 रुपये अब तक नहीं मिले हैं। तो
मैं क्या आप समझू, मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए और मेरे यहाँ 1700 वेस्ट हुए। आज मैंने एक ऑर्डर वापस कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा और पैसे वेस्ट हो, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि और फिर से सेम ऐसे ही कुछ मतलब गलती से कोई प्रोडक्ट मेरे पास आ जाए। और फिर गलती से नहीं आया है, अगर आपने पहले ही कैंसिल कर चुका था तो ये प्रोडक्ट मेरे तक रिसीव कैसे हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम है। सो मैंने ये 266 रुपीज़ में दो ये लैम्प बाय किए हैं, इसमें मुझे कैंडल भी मिली है अंदर में, पर ये जो है ना ये फाइबर मतलब कांच का नहीं है, ये फाइबर का कुछ है प्लास्टिक का, तो अगर इसमें कैंडल जलेंगी तो ये काला हो जाएगा और निकलेगा नहीं, तो इसलिए मैं इस पर कैंडल नहीं जलाऊंगी, इसको मैं बस ऐसे ही साइड में सजाने के लिए रख दूंगी डेकोरेशन में। सो आई एम सो सॉरी जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि आप इसका वीडियो करो वगैरह वगैरह, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि इस टाइप का प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है और मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। एंड आई रियली होप कि आप लोग भी चाहोगे कि ऐसे पैसे वेस्ट ना हो मेरे भी और आपके भी। तो आप जब भी कुछ ऑर्डर करें ना पहले से अच्छे से कुछ भी देख लो, मतलब डिस्क्रिप्शन में देख लो अच्छा अच्छा सेलर है क्या वो वगैरह देख लो और उसके बाद ही कुछ बाय करो, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ पसंद नहीं आई। पर्सनली बताओ तो मुझे दोनों चीज़ पसंद नहीं आई, एक तो मुझे गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ उधर से कैंसिल हो गया, रिसीव अगर गलत होता ना तो मैं मानती, बट उधर से कैंसिल हुआ और यहाँ से अब मेरे पास में रिफंड एक्सचेंज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1700 रुपये मेरे पानी में चले गए। और रही बात दूसरे ग्रे कलर के लाचे की, तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा और 1900 रुपये 1800 रुपये देकर ऐसा लाचा आई विल नॉट रिकमेंड यू। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।